हेलो फ्रेंड्स, मैं वैद्य करणवीर सिंह फ्रॉम चंडीगढ़ आयुर्वेद एंड पंचकर्मा सेंटर आज एक और नए विषय के साथ आपके सामने आया हूँ और कोशिश करूँगा कि आपके सारे सवालों को, आपके सारे क्वेश्चंस को पूरी तरह से सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे सकूँ। आज जो विषय आपके सामने मैं लेके आया हूँ या आज का जो डिजीज़ है वो यूरिक एसिड है। इसको आयुर्वेद में वात रोग बताया गया है, इवन की वात रक्त का नाम दिया गया है। ये ऐसा रोग है जिसमें आम तौर पे जो हमें सिम्टम्स मिलते हैं वो बहुत ही धीरे धीरे करके मिलते हैं, पर अगर वो उस वक्त नहीं ठीक किए जाते तो बाद में वो बढ़कर काफ़ी परेशानी में पेशेंट्स को डालते हैं। जैसे बॉडी में स्टिफनेस, जितने भी छोटे जॉइंट्स हैं हमारे, चाहे वो पैरों के हैं चाहे हमारे फिंगर्स हैं, उसमें हल्की हल्की स्वेलिंग रहना, या जब सुबह हम उठते हैं, जब हम पैर नीचे रखते हैं बेड से तो आपके पैरों पे थोड़ा सा दबाव महसूस होना, या जिसे हम टेंडरनेस या स्वेलिंग भी कहते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको धीरे धीरे कर अगर बॉडी में एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाएं, उसको हम यूरिक एसिड के साथ या गाउट के साथ जोड़ते हैं। और इसका जो मेन कारण है हमारा, वो हमारा रहना सहना और हमारी साथ जो हम खाते पीते हैं या हमारी जो बेसिकली दिनचर्या या आहारचर्या है उसके साथ जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोगों को शायद ये नहीं समझ कि जो प्रोटीन आप मार्केट में, या प्रोटीन्स आजकल आर्टिफिशियल बहुत तरह के मार्केट में अवेलेबल हैं, वो लेते हैं, हमारी बॉडी खुद इतनी सक्षम है कि वो प्रोटीन को पैदा कर सके। हम जब कोई भी पैक्ड फूड या आर्टिफिशियल कोई चीज़ यूज़ करते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक हो, या वे प्रोटीन या मसल बिल्डिंग प्रोटीन, कोई भी ऐसा चीज़ सप्लीमेंट हम यूज़ करते हैं, तो हमें ये समस्या खड़ी हो सकती है और ये बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी उतनी कारगर नहीं होती। कई बहुत सारे लोगों ने ये भी महसूस किया होगा कि जो भी प्रोटीन आपको बोलते हैं या कोई इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है कि ये इसको खाओ, उसके साथ आपको इंस्ट्रक्शन में जरूर लिखा होता है कि जितना आप प्रोटीन ले रहे हो उसको उतना बर्न भी करो। अगर हमें ये पता है कि हमने उस चीज़ को बर्न करना है, यूटिलाइज करना है, वो तो बहुत अच्छा है, वो आपको एक कोई बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता। पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इन चीज़ों की समझ नहीं होती और उस नासमझी के कारण उनको इस बीमारी का सामना करना पड़ता है। जितना भी पैक्ड फूड है, चाहे जितना भी हमारी जितनी कोल्ड ड्रिंक है या जिसमें सोडा ज़्यादा यूज़ होता है, उन ड्रिंक्स का यूज़ करने से आपकी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें जब भी ऐसे सिम्टम महसूस हों, हमें बॉडी में स्टिफनेस, जकड़न, सुबह उठकर आलस हो, तो हमें यूरिक एसिड का बिल्कुल एक बड़ी टेस्ट कराना चाहिए, जो बहुत ही सरल है। और उसके बाद हमें ये समझने की कोशिश है कि यूरिक एसिड जब हमारा बढ़ भी जाता है वो है क्या। हम ये कहते हैं कि एक खाने में हमारा जो पदार्थ होता है प्यूरिन, उसकी मात्रा आपकी बॉडी में जब वो इकट्ठी होनी शुरू हो जाए, मतलब वो एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाए, तो आपको यूरिक एसिड हो सकता है। तो हमें जो सबसे इजी वे है इसको ठीक करने का, वो ये है कि हमें अपने खाने में जो प्रोटीन की मात्रा, चाहे वो हमारी दाल है, पल्सेस है, या हमारी जो ड्रिंक्स हैं जिसमें सोडा ज़्यादा यूज़ होता है, उन सबका सेवन कहीं ना कहीं कम करना चाहिए। और उनका रात को सेवन तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, ताकि आपकी ये जो समस्या है नेचुरल तरीके से ठीक हो सके। और उसके अलावा हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो एक यूरिक एसिड का मतलब है वात रक्त, जो आपकी बॉडी में अननेचुरल तरीके से इकट्ठा होना शुरू हो गया, उसको बॉडी से निकालने या उसकी बॉडी का शोधन या डिटॉक्स करना इसका एक सरल उपाय है। हमें उस वक्त पानी की मात्रा बढ़ानी चाहिए, हमें ऐसे खाना खाना चाहिए जो थोड़ा सा हल्का हो, लघु हो और प्यूरिन की मात्रा उसमें कम हो।
ये सारे सिम्टम्स करने से, ये सारी चीज़ें करने से हम यूरिक एसिड को बहुत सरलता से और बहुत ही तरीके घरेलू नुस्खों से हम ठीक कर सकते हैं। अगर फिर भी हमारी बॉडी में आपको लगता है कि वो नहीं ठीक हो पा रहा, बहुत सारे लोग हमारे में फ़ोन करते हैं या हमें इंक्वायरी रेज करते हैं कि मैं होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहा हूँ पर नहीं ठीक हो रहा, उसके लिए आयुर्वेद आपके जो बहुत ही एक सक्षम आपके सामने पैथी है और आज की डेट में दुनिया भर में आयुर्वेद का बहुत ही प्रचार हो रहा है और बहुत ही प्रचार के साथ एक पॉजिटिविटी जो लोगों को आयुर्वेद के प्रति दिख रही है वो हमें अपनानी चाहिए। और आयुर्वेद के जरिए हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करेंगे या ऐसी औषधियों को, ऐसी हर्ब्स को यूज़ करवाते हैं पेशेंट को, जिससे ये जो पदार्थ है आपकी बॉडी से डिटॉक्स हो जाए, मतलब बॉडी से बाहर निकल जाए और आगे से भी ना बने, उसके लिए लिवर को ताकत देते हैं ताकि जो भी आप खाना खाओ उसमें अगर प्रोटीन की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा है तो आपका लिवर उसको ईजिली डाइजेस्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखें, आयुर्वेद के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं और आयुर्वेदों के जो नियम हैं अगर उसको अपनाते हैं तो हम अपनी काया को, अपनी बॉडी को बहुत ईजिली बैलेंस कर सकते हैं और बिना किसी कोई दवाई के या सारी उम्र के लिए हमें कोई दवाई नहीं खानी पड़ती। तो ये चीज़ें अगर अपनाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।